ड्रामा सीरियल दिले नादान की एपिसोड नंबर 32 में क्या कुछ होगा नाजरीन, तो जानिए इस वीडियो में। चैनल पे नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ड्रामा सीरियल दिले नादान की एपिसोड नंबर 32 में आप लोग देखेंगे कि जब जो है वो नायाब से उसका बेटा हैदर जो है वो लेगा जुनेद और उसको पकड़ कर खिलखिला रहा होगा और कहेगा कि वो भाई हो क्या रहा है, जिस पर जो है वो नायाब भी खिलखिलाएगी और ये बात जावेर को दोनों का इतना कुर्बत जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। उधर आप लोग देखेंगे कि जब जावेर की माँ जो है वो नायाब से बच्चा छीन कर मेड को दे देती है, जिस पर वो चीखती चिल्लाती रहती है नायाती है कि आंटी ये मेरा हक है और मैं इसको दूर, अपने मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे का खुद ख्याल रखूँगी, इसको अपने से दूर नहीं होने दूँगी। लेकिन जो है वो उसकी माँ जो है वो उसको से बच्चा लेकर जो है वो जावेर की माँ जो है वो दे देती है मेड को। उधर आप लोग देंगे कि इस बात पर लड़ पड़ेगा कि हाँ जावेर का भाई जुनेद जावेर से, और उसको कहेगा कि आपने अगर भाभी का बच्चा जो है वो भाभी को ना दिया तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर कहता है आगे से जावेर जी हाँ जुनेद को कि तुम होते कौन हो उस बच्चे के बारे में, हैदर के बारे में कंसर्न करने वाले। और जिस पर कहता है आगे से जुनेद कि मुझे जो है वो भाभी की आंखों में आंसू बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जिस पर जो है वो जावेर कहेगा जुनेद से कि तुम्हारा रिश्ता क्या है उससे कि तुम उस तरह से कंसर्न हो रहे हो। जिस पर जो है वो जुनेद कहता है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो, जिस पर जावेर कहेगा कि क्या करोगे तुम, तो कहेगा आगे से जुनेद कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा कि आपने एक माँ को बच्चे से जुदा कर दिया। जिस पर जावेर कहेगा अपने भाई जुनेद को कि तुम मेरे भाई हो उसके क्यों साइड ले रहे हो, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है। जिस पर जुनेद खामोश हो जाएगा। उधर आप लोग देखेंगे कि जब नायाब को कॉल करवाएगी जी हाँ तानिया अपनी दोस्त से, और वो बोलेगी कि मैं पसंद करती हूँ, जी हाँ मैं जावेर को पसंद करती हूँ, हम शादी करना चाहते हैं, तुम हमारे रुकावट हो, और उसको उसके खिलाफ जावेर के खिलाफ करने की कोशिश करती है नायाब। आपको क्या लगता है नाजरीन कि क्या तानिया के ये सारे सिलसिले कामयाब हो पाएंगे और क्या जो है वो उसके बेटे को हैदर को नायाब से अलग कर देगा जावेर? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें।